एक खूबसूरत पक्षी को अपने रंगीन पंखों से आकाश को रंगते हुए देखने से ज़्यादा कुछ भी हमारे दिल और दिमाग को रोमांचित नहीं कर सकता है। पक्षी प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक है और विभिन्न आकार, रंग और विशेषताओं से भरे हुए हैं। अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेशनल हिस्ट्री के एक शोध के अनुसार दुनिया में पक्षियों की लगभग 18,000 प्रजातियाँ मौजूद हैं। इनमें से शीर्ष 12 के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, अज़्योर किंगफिशर। अज़्योर किंगफिशर एक छोटा जलीय किंगफिशर है। इसकी एक काली लंबी चोंच और पीछे की ओर सफ़ेद रंग की जगह होती है। इस पक्षी का नाम इसके सुंदर रंग, गहरे चमकदार नीले शरीर, एक नारंगी रूफस और इसके पैरों के लाल रंग होने के कारण मिलता है। नर और मादा बहुत हद तक समान दिखते हैं और छोटे किंगफिशर रंग में कम जीवंत होते हैं, अर्थात वयस्कों की तरह रंगीन नहीं होते। ये किंगफिशर तस्मानिया, उत्तरी और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी के निचले इलाकों और पड़ोसी द्वीपों में रहते हैं। ये किंगफिशर अन्य किंगफिशर की तरह ही शिकार करते हैं। सुबह और शाम को ये ज़्यादा सक्रिय होते हैं। अगर गर्मी ज़्यादा न हो तो ये किंगफिशर दोपहर में भी शिकार करते हुए देखे जा सकते हैं। एज़्योर किंगफिशर मुख्यतः मछलियाँ खाते हैं। मछलियों के अलावा ये क्रस्टेशियन, जलीय कीड़े और कभी कभी मेंढक भी खाते हुए देखे गए। नंबर 2, अटलांटिक पफिन। अटलांटिक पफिन एक रंगीन समुद्री पक्षी है और अटलांटिक महासागर का एकमात्र मूल निवासी है। इनमें एक काला मुकुट, पीठ हल्के भूरे, गाल पैच और सफ़ेद अंडरपार्ट्स होता है। इसकी व्यापक रूप से लाल और काली चोंच, नारंगी पैर इसके पंखों के विपरीत दिखाई पड़ती है। सर्दियों में इसके चमकीले रंग के चेहरे की विशेषताएं खो जाती हैं। बसंत के दौरान रंग फिर से लौट आता है। अटलांटिक पफिन उत्तरी अटलांटिक महासागर के ठंडे पानी के पक्षी हैं। ये उत्तर पश्चिमी यूरोप, आर्कटिक फ्रिंज और पूर्वी उत्तरी अमेरिका के तटों पर प्रजनन करते हैं। पफिन उत्तरी सागर सहित उत्तरी अटलांटिक महासागर में व्यापक रूप से फैले हुए हैं। ये पफिन वर्ष का अधिकांश समय खुले समुद्र में भूमि से दूर बिताते हैं और केवल प्रजनन करने हेतु तटीय क्षेत्रों का दौरा करते हैं। अटलांटिक पफिन मांसाहारी होते हैं। इनके आहार में लगभग पूरी तरह से मछलियां ही होती हैं। हालांकि ये कभी कभी झींगा, अन्य क्रस्टेशियंस, मोलस्क और पॉलीकेट्स कीड़े भी खाते हैं। नंबर 3, विक्टोरिया क्राउन पिजन और ब्लू क्राउन पिजन। ब्लू क्राउन पिजन एक बड़ा नीला भूरा कबूतर है जिसमें सुरुचिपूर्ण नीली फीता जैसी शिखाएँ, मैरून स्तन और लाल आँखें होती हैं। यह न्यू गिनी क्षेत्र के मूल निवासी चार अदित्य बहुत बड़े जमीन पर रहने वाले कबूतरों के एक जीनस का हिस्सा है। ये कबूतर न्यू गिनी और उसके आसपास के द्वीपों के अलावा इंडोनेशिया के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं। ये तराई के नम और दलदली जंगलों में निवास करते हैं और अक्सर उन क्षेत्रों में होते हैं जो पूर्व जलोढ़ मैदान थे, जिनमें साबुदाना वन भी शामिल थे। ये कबूतर मिलनसार पक्षी हैं। भोजन की तलाश में ये आमतौर पर जोड़े या छोटे समूहों में यात्रा करते हैं। ये कबूतर अधिकांश समय जमीन पर बिताते हैं और उड़ते तभी हैं जब ये परेशान होते हैं। ये कबूतर शाकाहारी होते हैं। इनका मुख्य रूप से भोजन होता है गिरे हुए फल जैसे जामुन, अंजीर, पीच, बेर। कभी कभी ये बीज भी खा लेते हैं। नंबर 4, ब्लू जे। ब्लू जे छोटे रंगीन पक्षी होते हैं। मुख्य रूप से एक सफ़ेद छाती और अंडरपार्ट्स के साथ नीले रंग का इसका शरीर होता है और एक नीली शिखा होती है। इनके गले में एक काला यू आकार का कॉलर और शिखा के पीछे एक काली सीमा होती है। नर और मादा पंखों में समान होते हैं। ब्लू जे दक्षिणी कनाडा, पूर्वी और मध्य अमेरिका में पाए जाते हैं। ब्लू जे फ्लोरिडा के देवदार के जंगल से लेकर उत्तरी ओंटारिया के स्प्रूफ फिर जंगलों तक अपनी बड़ी सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार के आवासों में रहते हैं। इन्हें ओक और बीच के साथ मिश्रित वुडलैंड्स भी पसंद होते हैं। ब्लू जे शोर करने वाले बोल्ड और आक्रामक पक्षी हैं। ब्लू जे अन्य पक्षियों के घोंसलों पर छापा मार सकते हैं तथा चूजों और अंडों की चोरी कर सकते हैं। जब ब्लू जे क्रोधित होते हैं तो इनकी सर के ऊपर वाली नीली शिखा उठ जाती है और जब वो शांत होते हैं तो वो वापस से नीचे हो जाती है। ब्लू जे सर्वाहारी होते हैं, पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। इनके आहार में बलूत का फल, मेवा, खरपतवार के बीज, अनाज, मांस
कई प्रकार के छोटे कीड़े और दूसरे पक्षियों के अंडे शामिल होते हैं। नंबर 5, निकोबार पिजन। निकोबार पिजन कैलोनास जीनस का एकमात्र जीवित सदस्य है और विलुप्त उड़ानहीन पक्षियों डोडो और रॉड्रिक सॉलिटेयर का निकटतम जीवित रिश्तेदार है। निकोबार कबूतरों ने एक चमकदार पंख विकसित किया है। उनका सर धूसर होता है गर्दन के ऊपरी पंख की तरह, जो हरे और तांबे के हैकल्स में बदल जाते हैं। पूंछ बहुत छोटी और शुद्ध सफ़ेद होती है। मादाएं नर से थोड़ी छोटी होती हैं। छोटे बच्चों की काली पूंछ होती है और उनमें सभी इंद्रधनुष से रंगों की कमी होती है। निकोबार पिजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा पूर्व में मलय द्वीप समूह के माध्यम से सोलोमन और पलाव तक पाए जाते हैं। ये वर्षा वनों, सूखे जंगलों, मैंग्रोव और झाड़ियों में निवास करते हैं। निकोबार पिजन अत्यधिक खानाबदोश होते हैं और एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर झुंड में घूमते हैं। निकोबार पिजन सुबह और शाम सबसे ज़्यादा सक्रिय होते हैं और अकेले या जोड़े में भोजन करना पसंद करते हैं। हालांकि ये अधिकांश समय जंगल के तल पर बिताते हैं, लेकिन ये शक्तिशाली उड़ने वाले भी होते हैं। ये आम कबूतरों से 16 इंच बड़े होते हैं। निकोबार पिजन शाकाहारी होते हैं और आहार में मुख्य रूप से बीज, फल और कलियां खाना पसंद करते हैं। नंबर 6, पेंटेड बंटिंग। पेंटेड बंटिंग कार्डिनल परिवार का एक छोटा सा चमकीले रंग का सदस्य है। नर नीले, हरे, लाल और पीले रंग के पंखों से चमकीले रंग के होते हैं। मादाओं और किशोरों की आंखों के चारों ओर हल्के रंग का छल्ला होता है। नर को कई लोग उत्तरी अमेरिका का सबसे सुंदर पक्षी मानते हैं। अपने आकर्षक रूप और प्यारे युद्धरत गीत के कारण यह पक्षी अक्सर पिंजरे में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। पेंटेड बंटिंग पूर्वी और पश्चिमी आबादी में विभाजित है। पूर्वी आबादी केवल उत्तरी फ्लोरिडा के तटीय क्षेत्रों में उत्तरी कैलोरिना तक रहती है। पश्चिम में जनसंख्या लुइसियाना और टेक्सास से लेकर कांसास तक और सर्दियों में मुख्य रूप से मैक्सिको और दक्षिण में पनामा तक है। उष्णकटिबंधीय सवाना और उष्णकटिबंधीय वनों में रहना पेंटेड बंटिंग पसंद करते हैं। पेंटेड बंटिंग गाना गाते हैं जो कि 30 सेकंड तक हो सकते हैं। प्रजनन के मौसम के दौरान नर अत्यधिक क्षेत्रीय हो जाते हैं। युवा नर तब तक भटकते रहते हैं जब तक वे अपना प्रजनन क्षेत्र स्थापित करने में सक्षम नहीं हो जाते। पेंटेड बंटिंग सर्दियों में दानेदार होते हैं और प्रजनन करते समय कीटभक्षी होते हैं। मुख्य रूप से बीज और कीड़े खाते हैं। कैटरपिलर, बीटर लार्वा, मकड़ियाँ, टिड्डे और घोंघे खाते हुए इन्हें देखा जा सकता है प्रजनन के मौसम में। नंबर 7, हॉर्न्ड संजम या सींग वाले संजम। सींग वाले संजम एक दक्षिणी अमेरिकी हमिंगबर्ड है जो कि होलियाक्टिन जीनस की एकमात्र प्रजाति है। इसका नाम सींग वाले संजम इसलिए है क्योंकि इसके सर पर सींग होते हैं। असल में ये जानवरों के सींग के जैसे नहीं होते, ये पंख होते हैं जो एकदम व्यवस्थित तरीके से इनके सर पर सींगों का पैटर्न बनाते हैं और देखने में ऐसा लगता है मानो सचमुच का सींग हो। ये सींग वाले संजम केवल नर होते हैं, मादाओं में कोई सींग नहीं होता और नर संजम मादा की तुलना में अधिक रंग बिरंगे होते हैं। नर संजम का मुकुट एक चमकदार गहरे नीले रंग का होता है और इसकी पीठ और दुम कांस से हरे रंग की होती है। गला, ऊपरी स्तन और चेहरा का अधिकांश भाग काला होता है जबकि गर्दन और पेट सफ़ेद होते हैं। हॉर्न्ड संजम दक्षिणी मारनहाओ, दक्षिणी साओ पाओलो, पश्चिमी माटो ग्रोसो, बोलिविया के सांता क्रूज और मध्य ब्राज़ील के अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं। ये गैलरी वन, वुडलैंड, सेराडो, खाना के मैदान और उद्यम जैसे खुले परिदृश्य में रहना पसंद करते हैं। हॉर्न्ड संजम विभिन्न प्रकार के फूलों की झाड़ियों और पेड़ों का रस का भोजन करते हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे कीड़े भी खाते हुए देखे जा सकते हैं। नंबर 8, किल बिल टुकेन। किल बिल टुकेन अपने बड़े और रंगीन चोंच के लिए सबसे अधिक जाने जाते हैं, जो औसतन लगभग 12 से 15 सेंटीमीटर तक होते हैं। इसकी चोंच एक लाल सिरे और नारंगी पंखों के साथ हरे रंग की होती है। किल बिल टुकेन मुख्य रूप से पीले रंग की गर्दन के साथ काले रंग की छाती और पंख लिए होते हैं। इसकी पूंछ के सिरे पर लाल पंख होते हैं और नीले रंग के इसके पैर होते हैं।
किल बिल टुकेन दक्षिणी मैक्सिको से लेकर वेनेजुएला और कोलंबिया तक पाए जाते हैं। ये उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय और तराई वर्षा वनों में रहना पसंद करते हैं। किल बिल टुकेन बहुत ही सामाजिक पक्षी होते हैं और शायद ही कभी अकेले देखे जाते हैं। वे लगभग 6 से 12 के झुंड में उड़ते हैं। जब ये टुकेन आपस में लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे के मुंह पर फल फेंकते हैं। किल बिल टुकेन सर्वाहारी पक्षी होते हैं। ये फल, बीज, कीड़े, छिपकलियों और सांपों को खाते हैं। ये दूसरे छोटे पक्षी उनके चूजे और अंडे भी खा लेते हैं। नंबर 9, बोहेमियन वैक्सविंग। बोहेमियन वैक्सविंग छोटी पूंछ वाले स्टॉकी सॉन्ग बर्ड्स हैं जिनमें नरम घने पंख होते हैं। ये मुख्य रूप से भूरे रंग के होते हैं और इनके चेहरे पर काले रंग के निशान होते हैं। इनकी एक नुकीली शिखा होती है। इनके पंख सफ़ेद और चमकीले पीले रंग के होते हैं और कुछ पंख युक्तियों में लाल रंग की मोम उपस्थित होती है जो इन पक्षियों का इनका वैक्सविंग नाम देती है। मादाएं नर के समान होती हैं और बच्चों में कोई मोम वाली पंख नहीं होते। ये पक्षी यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। सर्दियों में ये दक्षिण की ओर चले जाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग शंकुधारी जंगलों में आमतौर पर गीले क्षेत्रों जैसे झीलों और दलदलों के पास मृत और गिरे हुए पेड़ों के साथ साथ तराई घाटियों और ऊपरी इलाकों में प्रजनन करते हैं। ये मिश्रित जंगलों में भी पाए जा सकते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग सामाजिक पक्षी हैं। ये बड़े झुंडों में कभी कभी जिनमें 100 से लेकर 1000 पक्षियां तक हो सकते हैं। सर्दियों में घने पेड़ों या हेजेज में सांप्रदायिक रूप से घूमते हैं। कभी कभी अमेरिकी रॉबिन्स, फील्ड फेयर या अन्य सर्दियों की प्रजातियों के साथ भी इन्हें देखा जा सकता है। बोहेमियन वैक्सविंग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। ये मुख्य रूप से फल खाते हैं जिनमें रोवन बेरी इनका पसंदीदा भोजन है। ये प्रजनन के मौसम में कीड़ों का सेवन करते हैं। मच्छर और मीज आम शिकार हैं लेकिन कई अन्य कीड़े और कुछ मकड़ियों को भी ये खाते हैं। नंबर 10, गोल्डियन फिंच। गोल्डियन फिंच एक छोटा सा रंगीन पक्षी है। नर और मादा दोनों काले, पीले और लाल निशानों के साथ चमकीले रंग के होते हैं। हालांकि मादाएं कम चमकीले रंग की होती हैं। लिंगों के बीच एक बड़ा अंतर यह है कि नर की छाती बैंगनी रंग की होती है जबकि मादा की छाती हल्की गुलाबी रंग की होती है। गोल्डियन फिंच के सर लाल, काले या पीले रंग के हो सकते हैं। किशोर गोल्डियन फिंच हरे भूरे रंग के होते हैं। गोल्डियन फिंच ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी हैं और अब केवल उत्तरी क्षेत्र में और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में किम्बरली में ही पाए जाते हैं। ये पक्षी आमतौर पर पानी के पास घास के मैदानों के साथ साथ उष्णकटिबंधीय सवाना घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। गोल्डियन फिंच एक सामाजिक पक्षी है और अक्सर मिश्रित झुंडों में देखे जा सकते हैं जिनमें 1000 से 2000 पक्षी शामिल रहते हैं। शुष्क मौसम में ये आमतौर पर अधिक खानाबदोश हो जाते हैं और जहां भोजन और पानी मिल सकता है वहां चले जाते हैं। गोल्डियन फिंच वैसे तो शाकाहारी होते हैं। ये पके और आधे पके घास के बीज खाते हैं लेकिन कभी कभी कुछ कीड़ों को भी खा सकते हैं। नंबर 11, रेनबो लॉरिकीट। रेनबो लॉरिकीट एक मध्यम आकार का रंगीन तोता है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसका सर गहरे नीले रंग का होता है जिसमें हरे पीले रंग का कॉलर होता है और बाकी के ऊपरी हिस्से जैसे कि पंख, पीठ और पूंछ हरे रंग का होता है। छाती नारंगी पीली रंग की होती है, पेट गहरा नीला और जांघ हरे रंग का। उड़ान में एक पीला विंग लाल अंडर विंग कवर के साथ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इस प्रजाति के नर और मादा दिखने में एक जैसे होते हैं और किशोरों की एक काली चोंच होती है जो धीरे धीरे वयस्कों में नारंगी रंग की हो जाती है। रेनबो लॉरिकीट उत्तरी क्वींसलैंड से लेकर दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी समुद्री तट तक पाए जाते हैं। इन्हें वर्षा वनों, मैंग्रोव वुडलैंड्स, तटीय झाड़ियों में रहना पसंद होता है। रेनबो लॉरिकीट सामाजिक, सक्रिय और शोर करने वाले पक्षी हैं। ये अक्सर जोड़े में एक साथ यात्रा करते हैं। ये प्रादेशिक होते हैं और प्रत्येक जोड़ी दूसरे अन्य रेनबो लॉरिकीट और अन्य पक्षी प्रजातियों के खिलाफ आक्रामक रूप से अपने भोजन और घोंसले की रक्षा करते हैं। ये प्रतिदिन 30 किलोमीटर तक यात्रा कर सकते हैं। रेनबो लॉरिकीट शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से फलों और फूलों के पराग का सेवन करते हैं। नंबर 12, मैंडरिन डक। मैंडरिन डक को चीनियों द्वारा युआन यांग भी कहा जाता है। इसे अक्सर ओरिएंटल कला में चित्रित किया जाता है और वैवाहिक निष्ठा और स्नेह के प्रतीक के रूप में भी माना जाता है।
एक लाल बिल के साथ आँख के ऊपर एक बड़ा सफ़ेद अर्धचंद्रकार आकृति और मूछों के साथ एक लाल रंग का चेहरा इसकी पहचान है। इसकी छाती डबल बड़ी सफ़ेद पट्टियों के साथ बैंगनी होती है और इसके पंख लाल और पीछे दो नारंगी पाल होते हैं। मादा की चोंच गुलाबी रंग की होती है और वह नरों के मुकाबले कम रंगीन होती है। मैंडरिन डक पूर्वी साइबेरिया, जापान और चीन में पाई जाती है। मैंडरिन डक पानी के साथ साथ ज़मीन पर भी भोजन ढूंढती है। नर नाक से सीटी बजाता है और इसकी आवाज़ काफ़ी कर्कश होती है, जबकि मादा एक नरम आवाज़ निकालती है। मैंडरिन डक सर्वाहारी होते हैं, लेकिन इनका आहार मौसमी रूप से बदलता है। ठंड के मौसम में ये मुख्य रूप से शाकाहारी होते हैं और पानी के पौधों और चावल जैसे अनाज खाते हैं, जबकि गर्मी के मौसम में कीड़े, घोंघे, छोटी मछलियों को खाते हैं।